नमस्कार दोस्तों, आप सभी का उषा माइक्रोसॉफ्ट ट्यूटोरियल चैनल पर स्वागत है। मैं अनिल कुमार गुप्ता आज इस वीडियो में आप लोगों को टैली प्राइम में प्राइस लिस्ट सेट करना बताएंगे। जैसे होलसेलर के लिए, रिटेलर और कस्टमर के लिए अलग अलग कैसे प्राइस सेट किया जाता है, आज इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे। चलिए आइए इसका पहले थ्योरी समझ लेते हैं। जैसे हमारे पास देखिए कुछ डाटा है, सीरियल नंबर, प्रोडक्ट और बेस प्राइस, होलसेलर, रिटेलर और कस्टमर। तो जो हमारा कीबोर्ड है, कीबोर्ड हमको पड़ा है 500 रुपया और हम उस होलसेलर को बेचेंगे 700 रुपये में, रिटेलर को बेचेंगे 750 रुपये में और जो कस्टमर है तो कस्टमर को बेचेंगे हम 800 रुपये में। तो जो होलसेलर है, होलसेलर एक कंपनी है, कंपनी से बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट कीबोर्ड खरीदेगा तो उसको कुछ सस्ता पड़ेगा। जैसे हमारा बेस प्राइस है 500 रुपया कीबोर्ड का, यहाँ पे देख सकते हैं। तो जो होलसेलर है तो कंपनी में जाएगा तो वो ज़्यादा क्वांटिटी खरीदेगा, जब ज़्यादा क्वांटिटी खरीदेगा तो उसको थोड़ा सस्ता पड़ेगा। और वही अगर रिटेलर है तो रिटेलर क्या करेगा, रिटेलर होलसेलर के पास जाएगा तो थोड़ा उसको महंगा पड़ेगा। और जो कस्टमर होगा तो कस्टमर मतलब तक काउंटर से जो बेचा जाता है एक एक दो दो पीस, उसको थोड़ा और महंगा पड़ेगा। तो आज इस वीडियो में आप लोगों को टैली प्राइम में कैसे इसे सेट किया जाता है प्राइस लिस्ट आपको बताएंगे। आइए चलिए टैली में करके एंट्री देखते हैं कैसे होता है। हमने टैली ओपन कर लिया। सबसे पहले हम एक कंपनी क्रिएट करेंगे, कंपनी क्रिएट करें करके उसके बाद इसको सेट करेंगे। तो यहाँ पे हम एक कंपनी का नाम लिख दे रहे हैं, जैसे उषा हम कंपनी लिख दिए, चाहे उषा इंस्टीट्यूट लिख दिया हम। उसके बाद नीचे इंटर क्लिक करेंगे, उसके बाद एड्रेस, एड्रेस में मऊ डाल दिए, इंटर किए, इंटर। अब आपसे स्टेट पूछ रहा है तो आप स्टेट यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसे सेलेक्ट करने के बाद आपसे पिन कोड पूछेगा, पिन कोड अपना डाल दीजिएगा, इंटर करके फिर मोबाइल नंबर, उसको इंटर करके ड्रैग करके आएंगे और यहाँ से एक्सेप्ट कर देंगे। जैसे एक्सेप्ट करेंगे आपके सामने एक इंटरफेस ओपन होगा। अब देखिए यहाँ पे आपका इंटरफेस हुआ। तो यहाँ पे एक चीज़ आप लोगों को ध्यान देने वाली बात है, जब इंटर करके नीचे ड्रैग आएंगे तो यहाँ पे देखिए दिया है इनेबल मल्टीपल प्राइस लिस्ट, इसको आपको यस करना है। अगर आप यहाँ से यस नहीं कर रहे हैं, यहाँ से हमने नो कर दिया और आप एक कंपनी को क्रिएट कर लें, तो जैसे कंपनी को क्रिएट किया वहाँ से मल्टीपल प्राइस लिस्ट से आपने इनेबल नहीं किया है तो यहाँ से भी कर सकते हैं। उसके लिए आप क्या करना पड़ेगा, आपको F11 क्लिक करना पड़ेगा। F11 क्लिक करने के बाद नीचे ड्रैग करके आएंगे और यहाँ से इसको यस कर देंगे, एक्सेप्ट कर देंगे तो आपका इनेबल हो जाएगा। दो तरीका हो गया। तीसरा तरीका है कि अगर मान लीजिए कि यहाँ से भी आप नो कर दिए, नो करके एक्सेप्ट करा दें, तो आप क्रिएट में जाएंगे। क्रिएट में जाने के बाद यहाँ पे शो मोर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे शो इन एक्टिव पे क्लिक करेंगे। शो इन एक्टिव पे क्लिक करने के बाद नीचे ड्रैग करके आएंगे आप, तो यहाँ पे देखिए दिया है प्राइस लेबल। तो यहाँ पे एक बार इंटर करेंगे तो आपसे पूछ रहा है इनेबल करने के लिए, तो अगर इनेबल करना है तो यस क्लिक कर देंगे तो आपका इनेबल हो जाएगा। यहाँ पे बैक आएंगे तो देखिए आपका प्राइस लिस्ट अब इनेबल आपका दिखाई दे रहा है। तो इसमें हम क्या करेंगे कि सबसे पहले लिखेंगे होलसेलर, तो यहाँ पे होलसेलर हमने लिख दिया। होलसेलर लिखने के बाद इंटर करेंगे, अब यहाँ पे लिखेंगे रिटेलर। अब यहाँ रिटेलर लिखने के बाद अब तीसरे ऑप्शन पे लिखेंगे हम कस्टमर। कस्टमर लिखने के बाद अब इसको हम एक्सेप्ट करा देंगे। एक्सेप्ट हो गया, हमारा बन गया प्राइस लेबल। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, अपने पास स्टॉक लेंगे। तो यहाँ से स्टॉक आइटम पे जाएंगे और यहाँ पे जो था हमारा क्या था, पहला प्रोडक्ट कीबोर्ड था, तो यहाँ पे हम लिखेंगे USB कीबोर्ड, इंटर करेंगे, नीचे आएंगे। अब आपसे पूछ रहा है अंडर ग्रुप क्या होगा, तो यहाँ से क्रिएट में जाके यहाँ पे हम लिख देंगे कीबोर्ड और इसको एक्सेप्ट करा देंगे। अब आपसे पूछ रहा है क्राइटेरिया, तो इसमें आपको आपको करना क्या है कि कंपनी का नाम पूछ रहा है तो हम दे देंगे SP कंपनी, SP कंपनी का हमारा कीबोर्ड है, एक्सेप्ट करा देंगे। अब उसके बाद आपसे पूछ रहा है यूनिट, तो यूनिट हम क्रिएट करके बनाएंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे PCS। उसके बाद यहाँ पे अब इसका फुल नेम, तो यहाँ पे देखिए आप दे सकते हैं PCS, आपका आ गया। Ctrl+A कर देंगे। ए करने के बाद अब नीचे ड्रैग करके आएंगे, अब यहाँ पे आपसे पूछ रहा है क्वांटिटी, तो हम यहाँ पे ले रहे हैं 500 पीस। कितने का पड़ा है हमको कीबोर्ड,
तो यहाँ पे देख सकते हैं इसका बेस प्राइस है 500 रुपया, तो यहाँ पे लिख देंगे 500। तो देखिए यहाँ पे पीस में दिखाई दे रहा है, ये हमारा वैल्यू अमाउंट हो गया, ठीक है। इसको हम एक्सेप्ट करा लें, एक हमारा हो गया। ऐसे ही दूसरा करेंगे, दूसरा हमारा क्या है, माउस। तो यहाँ पे हम लिखेंगे यूएसबी माउस, इंटर करेंगे। अब आपसे पूछ रहा है अंडर ग्रुप, तो अंडर ग्रुप हमारा क्या होगा, माउस। फिर उसके बाद आप कंपनी पूछ रहा है, तो कंपनी मानिए कि एचपी दे सकते हैं, चाहे नए कंपनी की रेट, तो हम एचपी का कर दे रहे हैं। किस में कर दे रहे हैं, पीस में। इंटर करके आएंगे नीचे और इसको भी कर ले रहे हैं 400 पीस। ये कितने का पड़ा है आपका, तो ये आपका 280 रुपये का पड़ा है। तो यहाँ पे हम कर देंगे 280, इंटर, एक्सेप्ट करा देंगे। फिर उसके बाद थर्ड क्या हमारा, थर्ड है एलईडी, तो यहाँ पे लिखेंगे एलईडी, इंटर। यहाँ पे अंडर ग्रुप एलईडी डालते रहे, इंटर, एक्सेप्ट करा दें। पूछेगा कौन सी कंपनी का, तो यहाँ पे लिख देंगे सैमसंग। सैमसंग लिखने के बाद इसको एक्सेप्ट करा देंगे, इसको भी कर देंगे पीस में। यहाँ पे फिर आएंगे क्वांटिटी डालेंगे, क्वांटिटी मान लीजिए 200 पीस हमने कर दिया, इंटर। अब इसकी प्राइस क्या है, इसकी प्राइस है 5000, तो यहाँ पे लिख देंगे 5, ठीक है, इंटर करके एक्सेप्ट करा देंगे। फिर अगली वैल्यू क्या है हमारी, तो अगला है सीपीयू, तो यहाँ पे लिखेंगे सीपीयू, अंडर ग्रुप सीपीयू करते रह रहे हैं इसका। उसके बाद यहाँ पे आएंगे तो पूछेगा कौन से कंपनी का, तो यहाँ पे हम डेली लिख दे रहे हैं, ठीक है, एक्सेप्ट करा दिए पीस में। अब नीचे क्लिक करके आएंगे, इंटर करके आएंगे और क्वांटिटी दे दे रहे हैं 100 पीस। अब इसका अमाउंट है हमारे 10,000, ठीक है। तो यहाँ से हमने इसको एक्सेप्ट कर, 5 क्वांटिटी ले लिया, ठीक है, 5 प्रोडक्ट हमने ले लिया। अब हम बैक आ जाते हैं, आप लोग ऐसे ही पूरा बना लीजिएगा जितना है। उसके बाद बैक आके अब यहाँ पे आपको क्रिएट में ही जाना है, और यहाँ पे देख सकते हैं दिया है कि प्राइस लिस्ट स्टॉक ग्रुप। अब हम जाएंगे प्राइस लिस्ट स्टॉक ग्रुप में, इंटर करेंगे। अब यहाँ से पूछ रहा है आपसे स्टॉक ग्रुप नेम, तो यहाँ पे हमको ऑल आइटम का बनाना है, तो यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे ऑल आइटम, ऑल आइटम का करना है। उसके बाद आपसे पूछ रहा है प्राइस लेवल, तो किसका हम पहले सेट करेंगे, होलसेलर का। और यहाँ पे अप्लाई मतलब कब से आप लागू करना चाहते हो, तो 1 अप्रैल से हमने, इंटर करेंगे। जैसे इंटर करेंगे आपके सामने ऐसा इंटरफेस ओपन होगा। अब हमको सबसे पहले हमारा क्या है, यूएसबी कीबोर्ड, इंटर करेंगे, इंटर। अब उससे आपके बाद आपसे पूछ रहा है क्या होलसेलर का रेट है, तो हमको ये कास्ट प्राइस पड़ा है 500 रुपया, और यहाँ पे हमारा है कि होलसेलर को हमको कितने बेचना है, 700 रुपया में, तो यहाँ पे दे देंगे 700, इंटर करेंगे, इंटर। अब दूसरा प्रोडक्ट हमारा कौन सा है, यूएसबी माउस, यूएसबी माउस हमारा कितने का पड़ा है, 280 रुपये का, और होलसेलर को कितने बेचना है, 380 रुपया, तो यहाँ पर लिख देंगे 380, इंटर। फिर हमारा तीसरा क्या है, एलईडी, एलईडी हमको पड़ा है 5,000 का, और होलसेलर को हमको बेचना है 6,000 में, तो यहाँ पे कर देंगे 6,000, ठीक है, इंटर, इंटर। फिर हमारा सीपीयू है, सीपीयू कितने में पड़ा है, 10,000 में, कितने में बेचना है हमको, तो सीपीयू हमको बेचना है 13,000 में, तो यहाँ कर लिख देंगे 13, ठीक है। अब इंटर करके इंड अप लिस्ट, अब कोई हमारे पास आइटम नहीं रहेगा, और यहाँ से एक्सेप्ट करा लेंगे। तो ऐसे ही होलसेलर का हमने प्राइस लिस्ट सेट कर दिया। दूसरा हमारा फिर बनाना है रिटेलर का, ऑल आइटम क्लिक करेंगे, उसके बाद हम रिटेलर पे जाएंगे और इंटर करेंगे। तो अब देखिए हमारा यहाँ पे देख सकते हैं इन रिटेलर का प्राइस लिस्ट आ गया। सबसे पहले हमारा क्या है, कीबोर्ड, कीबोर्ड को हमने सेलेक्ट किया, कीबोर्ड कितने का पड़ रहा है, 500, और वो रिटेलर को हमको कितने में बेचना है, 750 रुपया, तो यहाँ पे लिखेंगे 750, इंटर करेंगे, इंटर। फिर उसके बाद यूएसबी माउस है, यूएसबी माउस रिटेलर को हमको कितने में बेचना है, तो यहाँ पे 490, यहाँ पे लिख देंगे 490, इंटर करेंगे, इंटर। अब उसके बाद एलईडी है, एलईडी हमको 5,000 का पड़ा, रिटेलर को कितने में बेचना है, तो 7,000 में, तो यहाँ पे लिख देंगे 7,000, इंटर करेंगे। नीचे आएंगे सीपीयू,
कितने में बेचना है हमको रिटेलर को? तो यहाँ पे हमको बेचना है 13,500, तो यहाँ पे लिख देंगे 13,500। इंटर इंटर एक्सेप्ट इंटर प्लेस करके एक्सेप्ट करा देंगे। तो हमारा रिटेलर और होलसेलर का सेट हो गया। अब बचा कस्टमर, तो यहाँ पे ऑल आइटम क्लिक करेंगे, अब कस्टमर को सिलेक्ट करेंगे, इंटर करेंगे और फिर यहाँ से USB कीबोर्ड, उसके बाद इसको कितने में बेचना है हमको, तो 800 रुपये में, तो यहाँ पे लिखेंगे 800। इंटर इंटर और उसके बाद हमको माउस का सेट करना है, माउस को हमको कितने में बेचना है रिटेलर को, सॉरी कस्टमर को, 550, यहाँ से 550। इंटर करेंगे, नीचे आएंगे, फिर उसके बाद एलईडी है, एलईडी हमको कितने में बेचना है कस्टमर को, तो 8,000 में, यहाँ पे लिखेंगे 8,000। इंटर इंटर उसके बाद सीपीयू है, सीपीयू कितने में बेचना है हमको, तो सीपीयू हमारा है 14,000 का, इसको हम 14,000 कर दें, ठीक है। इंटर करके इंड अप लिस्ट एक्सेप्ट करा लिया। अब हम बैक आएंगे, बैक आने के बाद हमारे यहाँ तीन कस्टमर आए हैं, अब तीनों का हम लेजर तैयार करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे रमेश, तो ये जो रमेश है, यहाँ इंटर करके नीचे आएंगे, तो ये हम इनको क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं। तो जब भी हम किसी को सेल करते हैं, जो हमारा कस्टमर होता है वो हमारा होता है सनी डेविटर। यहाँ पे इंटर करेंगे, इंटर करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा दे दिया आपका प्राइस लिस्ट सेट करने के लिए, कि ये जो रमेश है ये हमारे क्या है, होल सेलर, रिटेलर और कस्टमर, इन तीनों में से क्या है। अगर ये ऑप्शन आप में नहीं शो करेगा तो ये आप 12 करेंगे, ये आप 12 क्लिक करने के बाद यहाँ पे नीचे इंटर करके आएंगे, तो यहाँ पे देखिए दिया यूज प्राइस लिस्ट लेबल फॉर्म पार्टी लेजर। अगर आप में नो है तो इसको यस कर लीजिएगा, अगर नो कर देंगे तो आपका यहाँ पे शो नहीं होगा, देखिए देखिए शो नहीं हो रहा है। तो अगर नहीं शो होगा तो आप क्या करेंगे, एफ 12 क्लिक करेंगे, इंटर करेंगे, नीचे आएंगे और यहाँ से इसको यस कर लेंगे, ठीक है। करने के बाद कंट्रोल ए करेंगे, एक्सेप्ट, इंटर करेंगे, इंटर। तो आप यहीं पे आपको चूज करना है कि हमारा होलसेलर है कि रिटेलर है कि कस्टमर। तो जो रमेश है हमारे यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वांटिटी 200 पीस खरीद रहे हैं, तो हमारे इनको हम रख दे रहे हैं होलसेलर में, करके एक्सेप्ट करा दें। फिर उसके बाद दूसरा भी कोई दूसरा कस्टमर आया, तो उनका नाम है राजेश। तो जो राजेश है ये भी हमारा क्या है, कस्टमर है, तो सनी डेविटर में आएंगे। अब ये क्या हमारे रिटेलर है, तो यहाँ पे रिटेलर पे क्लिक करेंगे और इसको कंट्रोल ए कर देंगे वैसे ही। उसके बाद तीसरा हमारा कस्टमर मान लीजिए पार्टी है, जो वो हमारे राजू हैं, तो राजू हमारे सनी डेविटर हो गए, कस्टमर है, तो उसके बाद यहाँ पे कस्टमर कर देंगे और एक्सेप्ट करा देंगे। अब चौथा लेजर आपको इसलिए तैयार करा रहे हैं कि अगर बाई चांस एक बैग कोई आ गया, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि हम मान लें कि राम आ गए, ठीक है, और ये सनी डेविटर है, अगर यहाँ पे हम उनका सेट नहीं कर रहे हैं प्राइस लेवल, नॉट अप्लीकेबल कर दें, क्योंकि अगर वो मान लीजिए कि जो राम है अगर हमारे यहाँ से 100 पीस कर देंगे तो उनको होलसेलर में रखेंगे, अगर मान लीजिए सपोर्टेड अगर हमारे यहाँ से 20-25 पीस कर देंगे तो रिटेलर में रख देंगे और कस्टमर में। तो अगर यहाँ पे नॉट अप्लीकेबल है, यहाँ पे नहीं सेट कर पाएंगे, तो जब कैसे आप वाउचर में एंट्री करते समय करेंगे, इसलिए हम ये चौथा लेजर आप लोगों का बनाया है, इसको एक्सेप्ट कर देंगे। एक्सेप्ट करने के बाद अब बैक आएंगे, बैक आने के बाद अब वाउचर में जाएंगे, वाउचर में आने के बाद अब आपको सेल में जाना है, सेल में आने के बाद अब आपसे पूछ रहा है, तो हमारा पहला थे होलसेलर, तो रमेश को सेलेक्ट करेंगे, इसको कंट्रोल ए करेंगे, एक्सेप्ट करा देंगे, यहाँ से एक्सेप्ट करा देंगे। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं सेल, तो यहाँ पे लिखेंगे सेल अकाउंट, सेल अकाउंट हमने लिख दिया, सेल अकाउंट किसके अंडर ग्रुप में रहेगा, तो सेल अकाउंट के अंडर ग्रुप में रहेगा, ठीक है, इसको एक्सेप्ट करा दें। एक्सेप्ट कराने के बाद अब यहाँ पे हम ले रहे हैं यूएसबी कीबोर्ड, तो जो ये है हमारे यहाँ 100 पीस खरीदे हैं, जैसे क्वांटिटी लेंगे ऑटोमेटिक देखिए हमारा रेट आ गया, होलसेलर का रेट जो हमारा था वो देखिए यहाँ पे शो हो रहा है। अब यहाँ पे यूएसबी कीबोर्ड था, अब यहाँ पे जाके देख सकते हैं कि जो हमारा कीबोर्ड है होलसेलर को कितने पड़ रहा है, 700 रुपये, यहाँ पे देखिए दिखा रहा है आपका, यहाँ से क्लिक करके एक्सेप्ट करा नहीं, यहाँ पे नो कर दीजिएगा इसको, और यहाँ से इसको एक्सेप्ट करा दिया, अगेंस्ट भी नया बिल है आपका, और यहाँ से देखिए एक्सेप्ट हो गया। अब उसके बाद हम राजेश के, जब राजेश पे जाएंगे, तो राजेश हमारे क्या है रिटेलर है, कंट्रोल किए एक्सेप्ट करा दिए, सेल अकाउंट से सेल कर रहे हैं। अब यहाँ पे
क्या खरीद रहे हैं, मान लीजिए कि माउस खरीद रहे हैं, माउस मान लीजिए 50 पीस खरीदे। जैसे माउस हम 50 पीस लिए, देखिए रिटेलर का रेट लग गया 490। यहाँ से जाके देख सकते हैं कि जो USB है रिटेलर कितने पड़ रहा है, 490। इंटर करके नीचे आ गया। अगर मान लीजिए और प्रोडक्ट ले रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि CPU, जैसे CPU पे क्लिक करें 5 पीस लिखे, देखिए उनका अमाउंट ऑटोमेटिक आ गया। ऐसे ही अगर मान लीजिए कि LED भी खरीद रहे हैं, वो LED पे जाएंगे 10 पीस लिखेंगे, इंटर करेंगे तो देखिए आपका हो गया। जैसे देखिए LED रिटेलर में कितने का, 7000 का, तो यहाँ पे भी जाके देख सकते हैं कि LED जो था 7000 का हमको पड़ रहा है रिटेलर को। ठीक है, यहाँ से इसको एक्सेप्ट करा लेंगे। एक्सेप्ट करा लिए, अब उसके बाद राजू तीसरा हमारा कस्टमर है, तो कस्टमर के लिए कैसे वो सेट होगा, देखिए ऑटोमेटिक आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। जैसे मानिए कि हम प्रोडक्ट लिए, कोई प्रोडक्ट जैसे 1 पीस ले लिए, इंटर किए, तो देखिए आपका जो USB माउस है कस्टमर को कितना पड़ेगा, यहाँ पे जाके देख सकते हैं कि USB माउस हमारा 550, तो यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिक 550 से दिखा रहा है। अगर मानिए कि सपोर्टेड वो कीबोर्ड लेंगे 1 पीस, तो कितने का पड़ेगा, 800 रुपये का। यहाँ पे जाके देख सकते हैं कि हाँ हमारा क्या है कि जो कीबोर्ड है वो 800 रुपये का पड़ा है। ठीक है, इसको भी एक्सेप्ट करा लेंगे। एक्सेप्ट होने के बाद अब हमारा जो चौथा कस्टमर है, अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि जो अब यहाँ पे देखिए दिखा दिया इसका हमने सेट नहीं किया था होलसेल रिटेलर क्या, ये हमारे नया कस्टमर आ गए। अब जब नया कस्टमर आ गए तो जैसे इनकी एंट्री करने जाए तो यहाँ से आपसे पूछ रहा है कि हमारे कस्टमर है कि रिटेलर है कि होलसेलर है। अब आपको डिसाइड करना है। अगर मान लीजिए आपके यहाँ से 100 पीस खरीद रहे हैं तो आप उनको होलसेलर में रख सकते हैं। अगर मान लीजिए 10 पीस 15 पीस खरीद रहे हैं तो आप रिटेलर में रख सकते हैं। एका दो पीस करेंगे तो आप उनको कस्टमर में रख सकते हैं। जैसे देखिए हम होलसेलर क्लिक किए, इंटर किए सेल अकाउंट, अब यहाँ से स्पेस करके सामान ले रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि हमने CPU ले लिया, ठीक है, CPU हमने 10 पीस ले लिया, तो देखिए ऑटोमेटिक दिखा दिया 13000 होलसेलर को। अगर यहीं बैक करके अगर यहाँ पे हम रिटेलर कर देंगे, इंटर करके नीचे आएंगे तो देखिए रिटेलर का अमाउंट दिखाने लगा। अगर वही हम यहाँ पे इंटर करेंगे और प्रोडक्ट लेंगे तो वही आपका रिटेलर का अमाउंट दिखा गया। जैसे हमने कीबोर्ड के ले लिया, इंटर 10 पीस कर दिया, इंटर, तो देखिए रिटेलर का बता दें। अगर यहाँ पे हम कस्टमर कर दें तो एक कस्टमर का बताने लगेगा। देखिए अभी कस्टमर का अमाउंट बताने लगा। तो ऐसे ही प्राइस लिस्ट आपका तैयार होता है, प्राइस लेवल कैसे सेट किया जाता है। अब यहाँ पे अब स्टॉक समरी में आप जाके रिपोर्ट देख सकते हैं कि हमारे पास कितना स्टॉक है, क्या हुआ। यहाँ से स्टॉक समरी में जाएंगे, स्टॉक समरी में आके जिस चीज़ का रिपोर्ट देखना चाहें यहाँ से देख सकते हैं, नहीं तो आप Alt+G क्लिक करेंगे और यहाँ पे सर्च करेंगे स्टॉक। अब स्टॉक में आप इस संबंधी स्टॉक समरी देखिए इतना दिया, तो स्टॉक क्यूरी में भी आप जाके चेक कर सकते हैं स्टॉक समरी में। तो यहाँ पे देखिए दिखा रहे हैं किस चीज़ का चेक करना चाहते हैं, तो मान लीजिए हम CPU का चेक करना चाहते हैं, तो देखिए CPU में हमने कितने किसको कितना बेचा यहाँ पे देखिए दिखा रहा है। तो यहाँ पे देखिए हमने 2 लोगों को सेल किया, 2 लोगों का रिपोर्ट दिखा रहा है आपका कितना में क्या हुआ है, पूरा डिटेल आप यहाँ पे चाहेंगे तो आप देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद बैक आएंगे, बैक आने के बाद यहाँ से डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में भी जाके आप देख सकते हैं। यहाँ से बैक आएंगे, यहाँ से जाके नहीं सॉरी यहाँ से स्टॉक समरी में क्वांटिटी में यहाँ से जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो यही था आपका प्राइस लिस्ट सेट करना टेली प्राइम में, कैसे प्राइस लिस्ट सेट किया जाता है। होपफुली आप लोगों को समझ में आया होगा।